देवास जिले के खातेगांव में कोरोना योद्धा और आरटीआई कार्यकर्ता पर एसडीएम द्वारा चालानी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। तो वहीं मामले में दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे कितना ही डराना चाहेंगे, लेकिन मैं भारत की न्याय व्यवस्था पर, लोकतंत्र पर पूरा भरोसा रखता हूं और मैं ऐसे एसडीएम से, ऐसे टीआई से और ऐसे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी से बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ और मेरा भरोसा हमेशा न्याय व्यवस्था पर रहेगा। दरअसल रवि वर्मा द्वारा खातेगांव मंडी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर न केवल कई खुलासे किए गए बल्कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक शिकायत भी की, जिससे परेशान होकर पुलिस प्रशासन द्वारा बदले की कार्यवाही के चलते कई कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने के साथ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि न्यायालय से कार्यकर्ता को जमानत दे दी गई थी। संक्रमण को लेकर चालानी कार्रवाई नगर खातेगांव में की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक दिन मेरे खिलाफ भी ऐसी चालानी कार्रवाई एसडीएम साहब, टीआई साहब और नगर परिषद और तहसीलदार महोदय एवं सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित होकर पुलिस कर्मियों के साथ चालानी कार्रवाई कर रहे थे। वहां पर मेरा भी चालान काटा गया। उसके बाद मेरे पास एक फ़ोटो उपलब्ध थी एसडीएम साहब की, जिसको मैंने फेसबुक सोशल मीडिया पर मेरी आईडी से शेयर किया। इसी दुर्भावना को लेकर मेरे साथ वो कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे जेल भिजवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता रवि वर्मा पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोरोना योद्धा का समर्थन करते हुए एसडीएम द्वारा की गई कार्यवाही पर सवाल उठाए गए हैं। भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अभी जैसा सुनने में आया और आप बता रहे हैं कि रवि वर्मा के ऊपर जो है चालान की कार्रवाई की गई है। रवि वर्मा कोरोना योद्धा रहा है, उसका सम्मान भी किया गया है। लॉकडाउन के टाइम पर उसने प्रशासन की बहुत मदद की है और अगर बिना मास्क के अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई थी तो उसे इस प्रकार से गिरफ्तार करके और उसे कोर्ट में पेश किया जाना उचित। कांग्रेस के अनुसार जब रवि वर्मा द्वारा मास्क न लगाने पर ₹50 का चालान भी जमा करा दिया गया था, किंतु उसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा एक अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जाना अभिव्यक्ति की आजादी छीनना है। चाहे मंडी हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, तहसील कार्यालय हो, पुलिस प्रशासन हो या आमजन की भावनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहते हैं। इसी प्रकार जब उन्होंने देखा कि प्रशासन के लोग आमजन से तो कोविड गाइडलाइन की पालन कराने के प्रयास करते हैं किंतु स्वयं भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं, तब उन्होंने ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश की तो खातेगांव प्रशासन उनके विरोध में द्वेष्टतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए आतुर होता नजर आया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता रवि वर्मा के वकील ने चालानी कार्यवाही के बाद गिरफ्तारी किए जाने को लेकर कहा कि एसडीएम द्वारा यह सब बदले की भावना से किया गया है, जिसके लिए वे हाई कोर्ट में अपील कर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एसडीएम के प्रभाव में और पटवारी के द्वारा की गई, जिसमें पुलिस थाना खातेगांव द्वारा जो रवि वर्मा की गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरह अवैध है, क्योंकि पुलिस ने लगभग अभी कोरोना में उक्त धाराओं के तहत 300-400 प्रकरण बनाए हैं, जिसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। रवि वर्मा को रंजिशस गिरफ्तार किया, इसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे और पूरी जाँच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा सबके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई जाएगी। वहीं पूरे मामले में एसडीएम संतोष तिवारी ने कहा कि रवि कोरोना गाइडलाइन के तहत व्यक्ति पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद एसडीएम से आरटीआई कार्यकर्ता पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कार्यकर्ता को पहचानने से इनकार कर दिया। और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कलेक्टर महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जो भी मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन न करें, उन पर जुर्माना किया जाए, चालानी कार्रवाई की जाए और उनको जागरूक किया जाए कि मास्क का उपयोग करें। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं। मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ, मुझे क्या करना है। जो शासन के नियम हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के हित में हैं, उन निर्देशों का पालन करने के लिए सबको जागरूक किया जा रहा है। एक आरटीआई कार्यकर्ता पर कोविड गाइडलाइंस के तहत प्रकरण दर्ज करना पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े करता है। वहीं प्रशासन की माने तो सारे आरोप बेबुनियाद है, सरकार के निर्देशों पर ही कार्रवाई की जाती।